स्वागत है आपका ससी के किचन में। आइए आज हम बनाते हैं गेहूं के आटे और बेसन से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसके लिए हमने ये 1 कटोरी बेसन लिया है और ये 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया हुआ है। कुछ सब्जियां कट करके ली हुई है, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, इनको बिल्कुल बारीक बारीक ही कट करना है। आप चाहें तो इन गाजर को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हम टेस्टी नाश्ता। इसके लिए हम गैस में रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, और तेल हमारा गरम हो जाएगा। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। बेसन से हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं उसमें हींग डालना जरूरी रहता है, तभी टेस्ट उसका अच्छा आता है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालने के बाद इसी कटोरी से नाप कर हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद इस पानी को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब तक पानी हमारा खौलने को गर्म होगा तब तक हम ये आटा और बेसन दोनों छान कर लेंगे। और बेसन भी इसी में छान लेंगे। अगर हम बिना छाने लेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए हम छान कर ही लेंगे। अब हमने इसको छान लिया है, 1 चम्मच से इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे आटा और बेसन। अब देखिए पानी हमारा खौलने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपने आटा और बेसन जो हमने लिया है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। और लो फ्लेम पर इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके डालते ही तुरंत गाढ़ा हो जाएगा। अब देखिए 2 मिनट में ही ये इतना ठंडा हो जाएगा। अब हम गाढ़ा सा हो जाएगा, एकदम जम जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। ये डालेंगे नमक, हम थोड़ा सा नमक आप पहले पानी में भी डाल सकते थे और बाद में भी मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें से। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे हम इसमें, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम ये गाजर जो कट करके रखी थी हमने, शिमला मिर्च और प्याज। सब्जियां आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें मटर भी आप दरदरा पीस के डाल सकते हैं, जो सब्जियां चाहें वो डाल सकते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के साथ। गैस की फ्लेम बंद है, बाद में हम इसको मिक्स कर रहे हैं। सब्जियां सारी कच्ची ही हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। आप इसमें नींबू के रस की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब देखिए इस तरीके प्लेट को ग्रीस कर लेंगे, इसमें हम ये डालकर जमा देंगे। देखिए इस तरीके प्लेट में हम फैला देंगे इसको चारों तरफ से, और इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर इसके बाद हम बनाते हैं इसको। ये देखिए इसको हमने जमा लिया है, हल्का ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। अब इस तरीके से ग्लास से हम इसको कट कर सकते हैं, या कुकी कटर से या ग्लास से इस तरीके के पीसेस काट काट कर निकाल लेंगे हम। आप अगर चौकोर पीस काटना चाहते हैं तो आप वो भी काट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके गोल पीसेस में हमने सब कट कर लिए हैं, और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसको हम इस तरीके से फिर हाथ से दबा कर इसको बराबर कर देंगे, जमा देंगे।
और चौकोर पीसेस काट सकते हैं या फिर अपने मन चाहे आकार में काट सकते हैं इसको। इस तरीके ये ठंडा हो चुका है तो इसको हम आसानी से दबा सकते हैं। और इस तरीके चौकोर पीसेस में कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके हमने ये गोल पीसेस कट करके रख लिए हैं, बाकी के हमने ये चौकोर पीसेस बना कर रख लिए हैं। अब हम इनको सैलो फ्राई करेंगे। देखिए एक पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल तेल को हम चारों तरफ फैला लेंगे। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इन टिक्कियों को इस तरीके से हम लगा देंगे इस पे पकने के लिए। और एक बार में जितनी आ सके आसानी से उतनी ही रखिए। और इनको एक साइड से अच्छे से पक जाने देंगे तभी हम इनको पलटेंगे। देखिए एक साइड से अच्छे से सीख चुका है, अब हम इनको पलट देंगे धीरे से। ये देखिए इसी तरीके हम सारे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी कुरकुरा होने तक भून लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक हमने इनको सेक लिया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए भी उसी तरीके सेक लेते हैं। देखिए बाकी के बचे हुए पीस भी हम इसी तरीके सेक लेते हैं। तो देखिए हमारे ये भी पीस दोनों तरफ से सिककर तैयार हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं ये पीस। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे और गर्मागर्म सर्व करेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए बनकर तैयार है ये हमारा गेहूं के आटे और बेसन से बना हुआ क्रिस्पी नाश्ता। ये देखिए ये सब्जियां इसमें पूरी भरी हुई हैं। ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने ट्राई किया तो आपका नाश्ता कैसा बना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए शशि का किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्टी कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।